मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं, बल्कि आज इस वर्चुअल रैली के जरिए मैं हमारे प्रदेश के तेलंगाना प्रदेश के मुख्यमंत्री जनाब के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात को बताया कि नहीं, असदुद्दीन ओवैसी का कोई एजेंडा नहीं, असदुद्दीन ओवैसी का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि वो अपने अल्पसंख्यक समाज को इंसाफ दिलाना चाहता है। जब मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कह रहा है और दावे के साथ कह रहा है कि क्या बुरी बात है कि ओवैसी तेलंगाना का बेटा है, बताइए आप, जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कह रहा है मजलिस और ओवैसी के बारे में, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने की जरूरत है उन लोगों को जो शर्म नहीं आती। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है, मैं जनाब के चंद्रशेखर राव साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे ताल्लुक से इस तरह कहा। वो जानते हैं हकीकत क्या है, जानते हैं कि तेलंगाना में बीजेपी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रही है, कि हम तेलंगाना में बीजेपी को रोक रोक नहीं रहे हैं, कि हैदराबाद के म्युनिसिपल इलेक्शन में अमित शाह मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चार घंटे मेरे सांसद के क्षेत्र के कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए, मगर हैदराबाद के आवाम को सलाम, उन्होंने बीजेपी को शिकस्त दी। बल्कि जिस जगह पर अमित शाह आए वहां पर उस वार्ड से, वहां पर बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई थे, पिछड़े समाज के भाई थे, बंगाली समाज के लोगों ने मजलिस का साथ दिया। जहां जहां योगी आदित्यनाथ गए वहां पर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाबी मिली। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा करता हूं और उनसे भी हम कहना चाह रहे हैं कि अगर वो ये बात कह रहे हैं कि इस मुल से बीजेपी को सत्ता से हटाएंगे, दोबारा 2024 में इस देश में बीजेपी की सरकार ना बने, नरेंद्र मोदी दोबारा इस देश का प्रधानमंत्री ना बने, मैं चंद्रशेखर राव साहब से कहना चाह रहा हूं कि आप असदुद्दीन ओवैसी को भी अपनी साथ समझिए, मजलिस को भी अपने साथ समझिए। हमारे भी कोशिश यही है कि दोबारा इस देश में 2024 में, बल्कि बीजेपी की सरकार 24 में भी ना बने और 2022 में भी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उसके मुख्यमंत्री ना बने।